हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग ऑफ स्ट्रिंग्स अराउंड अस। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ बैंगलोर के अंदर ही, और हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई पार्क, जो कि लोकेटेड है बैनरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर। सो बैनरघट्टा नेशनल जो जू है वो मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो के एंड में दोनों जगह पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। पर अभी चलते हैं बैनरघट्टा बटरफ्लाई पार्क में, जो कि सुना है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा सा है, हम कभी गए नहीं है तो सोचा है चलो आपके साथ ही चलते हैं। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं। गाइज फाइनली वी रीच टू बैनरघट्टा नेशनल पार्क बैंगलोर, और हम यहाँ पर आ रहे हैं बटरफ्लाई पार्क, आज हम लोग घूमेंगे। तो यार चलो चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं। सो पार्किंग की काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है एंड कमर्शियल स्पेस भी है, तो खाने पीने की आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क की तरफ, एंड इस साइड आप जाएंगे तो आपको बैनरघट्टा जू दिखेगा, एंड इस साइड जाएंगे तो बटरफ्लाई पार्क आप देख सकते हो। या लेट्स वॉक। वेदर मौसम थोड़ा गर्मी है, बैंगलोर में धूप निकल गई है आज तो। अच्छा बैंगलोर में ऐसे ही होता है, जब मतलब या तो बादल रहेंगे या तो जब धूप निकलेगी तो आपको अच्छी खासी गर्मी लगने वाली है। सो अभी धूप निकली है, आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल साफ है। सो ये है एंट्रेंस ऑफ बटरफ्लाई पार्क, आप ये देख सकते हो कितनी क्यूट बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स इन्होंने बनाई हुई है। एंड जो यहाँ का टाइमिंग है वो है 9:30 AM टू 5 PM पे, आप कभी भी आ सकते हो। एंड टिकट भी यहाँ पे यू नो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ऑल्दो जो बैनरघट्टा नेशनल पार्क का एंट्री फी है दैट इज़ डिफरेंट, एंड जो बैनरघट्टा नेशनल पार्क बटरफ्लाई पार्क है उसका टिकट है डिफरेंट। तो अगर आप, और सच बताऊँ आप एक ही दिन में सारा कवर करना थोड़ा आपके लिए टायर्डनेस हो जाएगा, तो अगर आप विद इन बैंगलोर में हो तो आप यू नो डिफरेंट डेज अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि आज जू घूम लेते हैं एंड कभी फिर पार्क घूम लेते हैं बटरफ्लाई पार्क। पर एक ही दिन में घूमना तो आई थिंक बहुत टायर्डनेस है, क्योंकि चलना तो काफ़ी पड़ जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हमारे साथ है बच्चा पार्टी, तो 3 बच्चे हैं जो कि फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। एंड ये एंट्रेंस है यहाँ पे, सो जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। सो यहाँ पे टिकट जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, इट जस्ट 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है बटरफ्लाई। बाहर से तो बहुत सुंदर सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है बटरफ्लाई पार्क, तो बच्चे तो काफी खुश हो गए इस पार्क में आके। एंड यू नो काफी चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत अच्छी हरियाली है, और थोड़ा सा एंटर करते ही आपको ये बड़ी सी मतलब बटरफ्लाई का एक स्टैचू दिखेगा जो देखने में काफी अच्छा है। तो बच्चे यू नो काफी खुश हो रहे हैं यहाँ पे आके। ओपन स्पेस है, काफी स्पेशियस है एंड वेल मेंटेन्ड है, चारों तरफ बहुत हरियाली है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर अ पिकनिक ऑल्सो, आप यहाँ पे अपना पिकनिक मैट एंड पिकनिक स्टफ लेके आप पिकनिक भी कर सकते हो बच्चों के लिए। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं और क्या क्या है बटरफ्लाई पार्क में। ऑल्सो यहाँ पे यू नो जैसा कि नाम सजेस्टेड है बटरफ्लाई पार्क, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको बटरफ्लाईज ही देखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ पर आपको यू नो बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी है। तो बच्चे मतलब यहाँ पे हमारे साथ 3 बच्चे हैं एंड आर एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी झूले वगैरह स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए। सो एज अ पेरेंट आई विल सजेस्ट यू कि हाँ यार यहाँ पे आओ, बच्चों को बच्चे आराम से यहाँ खेलेंगे एंड यू ऑल्सो हैव अ गुड एंड चिलिंग टाइम। तो हमें काफ़ी मज़ा आया हम, और अब हम जा रहे हैं अंदर जहाँ पे असली बटरफ्लाई पार्क का नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल, एक यू नो ग्लोब टाइप का राउंड शेप में पूरा एरिया था एंड यहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही थी। ऑल्दो हम लोग थोड़ा ऑफ सीजन में आए तो उतनी सारी बटरफ्लाई नहीं थी, बट यहाँ पे काफ़ी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, डिफरेंट काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हैं यार, और अंदर से पूरा यू नो ठंडा है, ग्रीनरी है, तो काफ़ी यू नो वेल मेंटेन तरीके से इन्होंने ये पूरा एरिया मेंटेन किया हुआ है एंड इट्स रियली टेक यू वेरी क्लोज टू द नेचर। इस तरह का नज़ारा, इस तरह की बटरफ्लाई हमने कभी नहीं देखी है,
बहुत ही प्यारा था ये। एंड बटरफ्लाई किसको पसंद नहीं होती यार, दे आर सो डेलिकेट, सो स्वीट एंड कलरफुल, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। एंड ऑल्सो अगेन या बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, दे रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद दिस बटरफ्लाइज। ऑल्सो यहाँ पे बटरफ्लाई म्यूजियम भी है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे यू नो बटरफ्लाई के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है विच यू कैन गैदर इट। तो पूरा अंदर से यू नो ये बटरफ्लाई पार्क देखने में हमें अप्रॉक्स 2 से 2.5 घंटे लग गया पूरा अंदर से देखने में। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया एंड अंदर की इंफॉर्मेशन वगैरह सब देखने के बाद हम लोग अब बाहर जस्ट ऐसे चिल आउट कर रहे हैं और बस अब चलेंगे घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो यार। सब्सक्राइब किया या नहीं किया देखो, अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना एंड मैं आपकी तरफ के लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि और आप क्या देखना पसंद करते हो। सो गाइज अब यहाँ से चलते हैं, मज़ा बहुत आया हमें, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन अभी गर्मी बढ़ती जा रही है तो टाइम है अब घर जाने का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।